गाइस, तो फाइनली वो टाइम आ चुका है जिस टाइम का हर ट्रेडर को इंतजार रहता है महीने में एक बार, जो है NFP। और यहाँ पर मैं NFP की ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ अपर डायरेक्शन के लिए। अब बस कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं और मैं रेडी हूँ अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करने के लिए। मैं $500 इन्वेस्ट करने वाला हूँ ऑन दिस NFP ट्रेड, और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो नेक्स्ट कैंडल पर भी मैं डेफिनेटली जाऊँगा फॉर सेम अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अमाउंट सेलेक्ट कर रहा हूँ और कर चुका हूँ, और यहाँ पर मैं बस रेडी हूँ NFP की ट्रेड पर जस्ट ट्रेड प्लेस करने के लिए। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बस मिलने वाली है, इस कैंडल के फिनिश होते ही मैंने प्लेस कर दिया तुरंत। अब आप देख सकते हो मैंने अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया और मार्केट कितना ज़्यादा अपर डायरेक्शन में जा चुका है। लेकिन सडनली मार्केट ने पूरा का पूरा चेंज किया यहाँ पर अपना सिनेरियो, और यहाँ पर डाउन जा चुका है मार्केट। बट एनालिसिस के हिसाब से, जो हमने एनालिसिस किया था उसके हिसाब से यही है कि मार्केट को अप जाना है। सारे ट्रेडर्स ने, जितने भी हमारी टीम है, सब ने इसी तरीके से एनालाइज किया था कि मार्केट को NFP की ट्रेड को 6 बजे की कैंडल को ग्रीन बनना है। दैट्स वाई हमने सिग्नल भी अपने मेंबर्स को अप में ही दिया है, और आई होप कि ये हमारे ही फेवर में क्लोज़ हो, क्योंकि नीचे काफ़ी वीक छोड़ चुका है कैंडल। और हमने काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किया हुआ है इस चीज़ के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा रीडिंग की हुई है न्यूज़ेस को। जो एनालिसिस हम लोगों ने किया हुआ है उसके बेसिस पर यही है कि US मार्केट को जो है नीचे जाना है, यानी कि EURUSD हमको बाई करना था। दैट्स वाई वी हैव प्लेस द अपर डायरेक्शन ट्रेड, और आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली अब भी जा रहा है ट्रेड और हमारे ही फेवर में है। बस कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं और हमारे ही फेवर में क्लोज होगा, जहाँ तक आई होप सो। और ये यस गाइज, हम विन कर चुके हैं ट्रेड को, क्लियरली विन जा चुका है, क्लियर ग्रीन कैंडल बन चुका है यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो। मैं इस कैंडल पर एक बार फिर से ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा अगर आप जाता है तो। डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए मैं रिकवरी वाला जो कैंडल बनता है इस पर मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, अगर बन जाता है तो मैं एक डाउन ट्रेड यहाँ पर लेने की कोशिश करूँगा। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने शेयर भी आप लोगों के साथ कर दिया था जो भी सिग्नल था, और ये मैंने ट्रेड कर दिया है प्लेस, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। और काफ़ी ठीक, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये रिकवरी ट्रेड जो है रेड क्लोज होना चाहिए, और आई होप सो कि ये भी हमारा विन जाएगा काफ़ी अच्छा तरीके से। सिग्नल भी आपने देखा कि कैसे हमने आपके साथ शेयर किया था, सभी बंदों ने जो है प्रॉफिट किया, मुझे काफ़ी सारे फीडबैक्स आए हुए हैं। मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर चैनल पर शेयर करने वाला हूँ। अगर आप भी इसी तरीके के सिग्नल्स चाहते हो तो मस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल गाइज। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो आप काफ़ी चीज़ों मिस कर रहे हो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल ही सबसे मेन है हमारा, जहाँ पर आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। देख सकते हो गाइज, हमने यहाँ पर आई थिंक मोर देन $900 का प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसी तरीके से डेली अर्न प्रॉफिट करना चाहते हो, लॉस रिकवरी भी आज काफ़ी बंदों ने कर लिया NFP की ट्रेड से, क्योंकि मैंने लोगों को बोल के रखा था कि जितना अमाउंट हो सके सब लोग सेट कर लेना। और फिलहाल मैंने, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप पर।